सुप्रभात प्रथम खबर को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रु इस्कॉन प्रतिष्ठाता शिला प्रभुपादंक 125तम जन्म वार्षिक स्वतंत्र कार्यक्रम रे आज प्रधानमंत्री करिबे नुवा 125 संख्या कॉइन रो उन्मोचन विश्वरे कृष्णक भक्ति और शिक्षार प्रचार करथिले शिला प्रभुपाद अमेरिका रे करथिले वृंदावन मंदिर प्रतिष्ठा आज आरंभ हो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आठटी कार्य दिवस 9 तारीख पर्यंत चलो गृह कार्य सरकार को टार्गेट पाई विरोधी हाथ में मालमाल प्रसंग आरंभ अधिवेशन हो पारे सरकार जो राज्य में लागू हो नुआ गाइडलाइन सेप्टेम्बर मास कोहल है कटक राति 10टा सका 5टा जाए सब पौराचल में नाइट कर्फ्यू बाहर अद्येष्टि क्रिया और व्रतघर पर 250 जन को अनुमति धार्मिक राजनैतिक सांस्कृतिक समावेश पूर्व कटक बलबत्तर केबे जेरा हे आईन मंत्री प्रताप जेना महांगा डबल मर्डर घटन मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करने कोर्ट को रही निर्देश मंत्री को मंत्रिमंडल बहिष्कार दाबी रखी बीजेपी इस्तफा नदे विधानसभा प्रतिपाद चेतावनी कोरापुट पटांगीर ओडिशा सीमा संकट रे नंदपुर ब्लॉक रो 8टी गांव पर कब्जा करिछि पड़ोसी राज्य आंध्र मैप और वास्तवता मध्ये नाही तालमेल स्कूल ठारु आरंभ करि तहसील ऑफिस निर्माण करिछि आंध्र ग्राउंड जीरो रे टीम अर्बस बापा एक नंबरी पुआ 10 नंबरी मानस दास नारे आउ तीन हत्या अभियोग तथ्य शंख उहाड़े दागी बाप पु हत्या अभियुक्तों शरण में बीजेडी हेवीवेट हाथ मार साहस करूनी पुलिस कार्यानुषान दाबी में जिलापा ऑफिस घेरिले 10 आदिवासी संघ अफगानिस्तान सैन्य प्रत्यारोपण राष्ट्रपति जो बाइडेन को संबोधन कहिले अफगानिस्तान रे अमेरिका रो मिशन सफल अफगानिस्तान लोकों साहय अमेरिका सर्वदा प्रस्तुत सेपटे चीन ठारु कड़ा प्रतियोगितार सम्मुखीन होता कहिले बाइडेन एनएमपी को नहीं प्रश्न उठाऊ विरोधी को अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब देशर हित काम कर मोदी सरकार योजन प्रतिवर्ष 1.5 लाख कोटी टंका उठाइबा को लक्ष्य एवं देशर अर्थनीति को बड़ बुस्ट भारत जीडीपी रे रेकर्ड अभिवृद्धि प्रथम त्रैमासिक 20.1% हार में बढ़ी अर्थव्यवस्था द्रुत गति में ट्राक फेर देशर अर्थ आसवा संपूर्ण खबर को आज हूँ लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु तथा तो इस्कन प्रतिष्ठाता एसी भक्त देवता शिला प्रभुपाद 125तम जन्मवार्षिकी अवसर स्वतंत्र 125 टंकिया कॉइन उन्मोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया जोगदेव कार्यक्रम रही इस्कन प्रतिष्ठाता एसी भक्त देवता शिला प्रभुपाद 1965 विश्वर प्रभु श्रीकृष्ण शिक्षार प्रसार और प्रचार आरंभ करते जहां परवर्त समय बेस आदृत लाभ कर 1968 शिला प्रभुपाद आमेरिकार न्यूयॉर्क सहर में नूतन वृंदावन मंदिर निर्माण करते आज आरंभ हो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन 9 तारीख पर्यंत चलो अधिवेशन में मोट 8टी कार्य दिवस रही प्रथम दिन में 7टी बिल और गोटे अध्यादेश गृह में उपस्थापन हो स्वल्पकालीन यह अधिवेशन में सरकार आणवे 12टी बिल पंचायत आईन संशोधन बिल सह अन्य किसी बिल गृह अनुमोदन पाई आगत हो पारे विधानसभा अधिवेशन कम थिले गृह सरगरम होगा निश्चित बोली जमापड़ प्रथम दिन शासक विरोधी मुहांमुही बोली तीन दल होता विधायक दल बैठक संकेत मिली विरोधी हाथ में मालमाल प्रसंग ताबे मुख्य विरोधी दल बीजेपी और कांग्रेस राज्य सरकार को टार्गेट कर किसी प्रसंग सामान ताबे विरोधी दल स्वर एक हेले सरकार अड़ुआ पड़ पार संभावना रही
दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर रिपोर्टर बाबद्रे आलोचना आम सहित फोनलाइन जोगे जोड़ दिव्य आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन विशेषकर 9 तारीख पर्यंत जिते अधिवेशन चलो कौन सब प्रसंग रही विरोधी पाखे सरकार को घेरवा देखंतु निवेदन निश्चित भाव में आपने देखिए षोडश विधानसभा सप्तम अधिवेशन बा मौसुमी अधिवेशन आज आरंभ हो जहां प्रथम दिन कार्यसूची रही देखिए आज प्रथम दिन जेहेतु विधानसभा आरंभ होती दिन 11टा बेले विधानसभा ठीक आरंभ हो से समय बाचस्पति को प्रथम गार्ड कॉर्नर दिया परवर्त समय गृह कार्य को आरंभ किंतु प्रथम दिन हो प्रथमे जो मैंने रही दिवंगत नेता मैंने गृह रही उद्देश्य शोक प्रस्ताव अणाजी ए शोक प्रस्ताव उपर प्रथम गृह नेता मुख्यमंत्री अर्थात नवीन पटनायक अभिभाषण रखे तापर विरोधी दल नेता जेहेतु अनुपस्थित रही अनुपस्थित विरोधी दल उपनेता अभिभाषण रखे और कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र अभिभाषण रखे और परिशेष में बाचस्पति सुजना पटनायक अभिभाषण रखे और किस समय गृह को मुलतवी कर देखिए रही प्रश्न काल हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण आम कहीपर कारण यही समय छटी गुरुत्वपूर्ण विभाग प्रश्न काल रही विभाग विषय आलोचना हेरा रही आप देखिए कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग रही संवाद विभाग रही मत्स्य और पशुसंपद विभाग रही विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रही पाखापाखि छटी विभाग आज आलोचना हेब जो सब प्रश्नकर्ता मैंने जहां प्रश्न करेंगे अर्थात जो विधायक मैंने जहां प्रश्न करेंगे तार सीधा सड़क उत्तर रखापी बाध्य मंत्री मैंने किंतु जेहेतु अनेक प्रसंग रही प्रश्न काल समय आसवर रही से मंत्री मानक अड़ुआ बढ़िवार संभावना रही अंपटे आप देखिए शून्य काल में भाव गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आस राज्य स्तरीय जो प्रसंग गुड़िक रही शून्य काल में उत्थापन हेब ए सबुठ बड़ कथा हूँ आप देखिए जेहेतु आज प्रथम दिन रही विरोधी हाथ में लंबा लिस्ट रही लंबा अभियोग रही समस्या लंबा फटो रही विशेषकर आप देखु एसीएफ सौम्य मर्डर केस जो भाव मंत्री विक्रम केसरी आरु छंदी भी पड़ती अंपटे समवाय बैंक ऋण जालियात देखिए रणेन्द्र प्रताप साई छंदी भी पड़ती अंपटे मरुड़ी प्रसंग में आप देखिए तीन तीन जन मंत्री बर्तमान छंदी होती जदि देखिए जलसेचन जो प्रतिश्रुति पूरण हो पानी से मंत्री रघुनंदन दास जी रही जल संपद मंत्री सी छंदी होती अंपटे आप देखिए कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री अरुण साहू से छंदी एवं समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई ये तीन जन जाक राज्य में मरुड़ी स्थिति नहीं सहित राजस्व मंत्री रही बड़ कथा मांगा डबल मर्डर घटन प्रताप जेना नाम आवास के प्रताप जेना नाम आसपुर गोटे विराट प्रश्नवाची सृष्टि करुआ बढ़ी पारे निश्चित भाव कैबिनेट सात सात जन मंत्री वर्तमान अड़ुआ बढ़ी सात सात जन मंत्री किसी ना किसी बिवाद छंदी होती विरोधी मुख्य प्रसंग कर सरकार विभिन्न समस्या ता भितर अच्छी महंगा मर्डर कथा आप देखु कि देखु जो भाई राज्य में आवास केलेंकारी हो तार प्रमाण मिली केन्द्र सरकार राज्य सरकार को गोटे प्रकार कह तनाघना कर विषय आप जानते तो निहाती भाव राज्य कैबिनेट सात सात जन मंत्री बर्तमान बिवाद घेर अच्छा या सरकार क्यों ना क्यों अड़ुआ बढ़ अंपटे जहां शासक दल रणनीति करसक दल क्यों ना क्यों विरोधी ये जो रणनीति को चकमा देवाई केन्द्र विरोधी नारा को पुणि थे शांत करवा उचित गृह भितर दिव्य विरोधी पूरा तैयार अच्छा सरकार को घेरवा सात सात जन कैबिनेट मंत्री अड़ुआ बढ़ी पारे आज जिते मौसुमी अधिवेशन रही नजर रहा बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांती भुवनेश्वर रिपोर्टर बाबद सविशेष आलोचना कर। आज राज्य में लागू हो सेप्टेम्बर मस नुआ गाइडलाइन सेप्टेम्बर मस कोरोना कटकणा को कोहल कर राज्य सरकार तीनोटी जिला खोर्धा कटक और पुरी में जारी रही सप्ताहत सटडाउन को हटाई से नाइट कर्फ्यू समय परिवर्तन करा पर स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप्त जेना कहते जेणी राति 10टा सका 5टा पर्यंत सब पौराल रात्रिकालीन कर्फ्यू रूर्व राति 8टा नाइट कर्फ्यू अवधि आरंभ होता बेले समय को राति 10टा को घुंचाई सरकार से राज्य
ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଉଠିଯାଇଛି। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଖୋଲିପାରେ ସମସ୍ତ ମଲ୍ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଫିଲ୍ମ ହଲ୍, ଥିଏଟର ଆଦି ଖୋଲିପାରିବ। ତେବେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଘୋଷିତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି, ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମାର୍କେଟ କୋଳାହଳମୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ ସବୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା କାଲିର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଯେହେତୁ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକି ପୂଜା ପର୍ବ ପାଳନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘରେ ମଧ୍ୟ 250 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜାରେ 50 ଜଣ ସାମିଲ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ନିୟମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟୀକା ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଉଠିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋହଳ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନିବେଦିତା, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣର ଋତୁ ଆସୁଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ, ଦଶହରା ହେଉ, ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ତ ବଡ଼ ଜାକଜକମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋହଳ କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ନିବେଦିତା ନିହାତି, ଯଦିଓ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ସେତିକିଟା ଖରାପ ହେବନି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗହଳି ଜମେ ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବ, ଏହାକୁ ଏଡ଼ା ଯାଇ ନପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧା ସୋକେ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସାମରିକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ମିଶନକୁ ଏକ ସଫଳତା ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ସେଠାରେ ଶହ କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତାହା ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମର ମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚୀନ ଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆମେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହୁଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ମହିଳା ଶିଶୁ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ଖବର ଅଭିଯାନ, ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କେବେ ଜେରା ହେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜେରା କେବେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେପି। ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି।
आईन मंत्री प्रताप जेना बहिष्कार दावी रे बीजेपी रे हल्ला बोल राजधानी रे पुलिस और बीजेपी कर्मी धस्ताधस्ती महंगा डबल मर्डर घटन मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करने कोर्ट का निर्देश पर मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल बहिष्कार करने जेरा करने को दावी कर दल से मंत्री इस्तफा नदे प्रसंग को नहीं विधानसभा जोरदार प्रतिवाद होगा विरोधी दल उपनेता विष्णु सेठी यदि विलंब है तथापि आम निश्चित भाव आश्वस्त होबु जे न्यायपालिका एक मामलें पीड़ित को निश्चित भाव न्याय देने हाउस रे एकाधि बार यही प्रसंग रे बराला हत्या मामला को आम हाउस ट्रलिंग कर आज भारतीय जनता पार्टी युव मोर्चा तरफ राजरास्ता को ओल्लु एभली एक आईन मंत्री जी राज्यर आईन मंत्री आईन श्रृंखला आईन को लोक मान आईन सहायता दवा कथा से निजे आज दोषी होती दोषी की माने तांकु भी घंट घोड़ाऊ सरकार तार प्रतिवाद रे युव मोर्चा आज गर्जुची राजरास्ता को ओल्लई मंत्री प्रताप जेना तुरंत इस्तफा दवापाई बाध्य करा जाओ नचे तांको मंत्री पदर बहिष्कार करिया पाई आमे दाबी करू महंगा विधायक तथा आईन मंत्री प्रताप जेना महंगा डबल मर्डर घटन तेरह नंबर मुदाला चार्जसीट रु मंत्री ना काटी विवाद को आसीला महंगा पुलिस कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल हत्याकांड घटन प्रताप को सीधा सीधा संप्रति नहीं अभियोग आनी कुलमणि पुआ रमाकांत बराल सत्य दिन उन्मोचित हो जो आसामी मंत्री थिले प्रताप जेना ताको ना को स्थानीय पुलिस चार्जसीट ना काटि तेणु काटवार कारण होता जेहेतु से आईन मंत्री अच्छा से प्रभावित करते भी प्रभावित करेणु जहा हूँ आम न्यायाधीश विश्वास अच्छी न्यायपालिका पर मोर विश्वास अच्छी एवं आमे शेष पर्यंत न्यायालय उपर भरोसा रखिबो एवं न्याय पे नढ़िबो केबे जेरार सम्मुखीन हेबे मंत्री प्रताप जेना केबे मंत्री प्रताप जेना को सानी तदंत परिसर भुक्त करिबो महंगा पुलिस आ केबे खोद मंत्री प्रताप जेना ओ तांको पीए बापी विश्वाल को मोबाइल कॉल जांच करिबो पुलिस ताकु नै उठिछि बड़ प्रश्न सेबे घटनार दुई नंबर मुदाला प्रफुल्ल विश्वाल को संदेहजनक मृत्यु हेबा घटना को आहुरी संदेह घर को टाणी नैछि आमे सबुठार बड़ कथा से फोन वर्तमान पुलिस पाखरे अछि प्रफुल्ल विश्वाल से फोन को तदंत परिचित करी को मैंने सागर कथा हो मिलजिव किंतु पुलिस चार्जसीट कहला मंत्री फोन रू मिलला अरे मंत्री पाखे जो बापी विश्वाल थिला आम डायरेक्टली कही फोन रेकर्डिंग पुनर्बार जो बर्तमान दिया गया तदंत परिचित नापी से किपर भाव लॉ मिनिस्टर रे से नैतिक दृष्टि इस्तफा दिंतु ना मान्यवर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विदा करूँ जहाँफल स्वच्छता प्रकाश पाइब एवं सत मध्य प्रकाश पाइब इस्तफा देवा नदा मुख्यमंत्री पर निर्भर करे किंतु प्रॉपर्ली इनक्वायरी करा जाओ जदि से इनवॉल्व थे दंड पाइ कांग्रेस आम को दाबी कर भल भाव गोटे जुडिशियल इनक्वायरी हो जदि से इनवॉल्व काढ़ी दिया जाओ जो प्रसंग उठेबा कथा उठातु सरकार प्रस्तुत अच्छा जो प्रसंग उठेबे सरकार से प्रसंग को सम्मुखीन होगा प्रस्तुत से राजनैतिक कार्यकलाप करेंगे कितु आईनगत भाव में जहाँ थी मानवर मुख्यमंत्री जहाँ आईनगत भाव में करा कथा कर जनवरी दुई तारीख में महांगा माटी होता रक्त रंजित गड़ा बीजेपी नेता कुलमणि और दिव्य सिंह बराल मुंड आवाद को आसिले खोद मंत्री प्रताप जेना प्रसंग को नहीं पल्लीरु दिल्ली जाए हेला हो हल्ला पुलिस अधिकारी तथा मंत्री संपर्कीय पीके जेना आसिले विवाद को आ चार्जसीट्रु मंत्री ना कटिजा एवं महंगा पुलिस को छिड़ा करी काठगड़ा कटकुर इमरान खान भुवनेश्वर रोशन रथ और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज कोरापुट पटांगी निर्वाचन मंडली अंतर्गत नंदपुर ब्लक अठटी गांव पर कब्जा करिछि आंध्र सरकार आठ स्कूल निर्माण करिछि तहसील ऑफिस निर्माण करिछि पूरा अंचल तार बोली दाबी करुछि राज्य सरकार ए दिगरे तुरंत किछि पदक्षेप जदि ग्रहण न करिबे तबे अठटी गांव सहित अन्य किछि अंचल मध्य आंध्र हाथ को चली जीव ग्राउंड जीरो स्थिति पर किछि अर्गस बड़ कथा आसंता काली ठारु आरंभ होउछि क्षमा करिबे आज ठारु आरंभ होउछि विधानसभा अधिवेशन आ अधिवेशन रे ओडिसा रो सीमा सुरक्षा रे प्रतिद्वंदी सुबिबकी गृह रे ओडिसा आंध्र सीमा रो शोभापुर सेतु बिजु सेतु योजना रे ओडिसा सरकार एहाकु तयारी करछन्ति एति पई 16 कोटि रु अधिक टका खर्च होइछि एबे किंतु आंध्र दाबी करूछि ए सेतु तांकर चुप बसछन्ति ओडिसा सरकार
16 कोटी टंका व्यय करा जाय निर्माण करा जायथिबा शोभापुट बिजु सेतु उपरे अधिकार साब्यस्त करुछि आंध्र। पटांगी निर्वाचन मंडली अंतर्गत नंदपुर ब्लॉक रो 18टी गांव को जबरदस्त दखल करिछि आंध्र। गांव रो माटी कांथ बाड़ को निजर बोली कहउछन्ति आंध्र सरकार। एही 18टी गांव भितरो गुटी गांव हेउछि पेदाबाइलो गांव। पेदाबाइलो गांव रे जेतेबेले अर्गस टीम पहुंचीतिला सेतेबेले सामना को आसीछि ए दृश्य। माछकोर नदी को देखंतु, नदी सेपट ओडिसा रे थिला एबे किंतु बदलिछि चित्र। ए अंचल बे आंध्रर बोली दाबी हेउछि। एबे आमे जो जगार अछु ये होउछि आंध्र ओडिसा सीमार पेदाबाइल। ए स्थान रे थिला एक पत्थर सीमा थिला, अर्थात एठु आड़ आंध्र एवं एठु आड़ ओडिशा, किंतु ओडिशा सीमार पाखापाखि 300 मीटर अधिक एवं आंध्र कब्जा। आप देखु ये ओडिशा पटे मुझ कैमेरा मान को कह चित्र देखेबे ओडिशा पटे ये हूँ स्कूल, जो स्कूल एवं आंध्र सरकार तैयारी करे ओडिशा जमीन तैयारी आंध्रर स्कूल। एवं जो सीमा बद को नहीं चारे तुम्बित पान हो कोटिया कथा कहतु, किंतु एटी ये नंदपुर ब्लॉक रो ये जगह रे पेदाबाइल ले एठी ओडिशा सरकार पूरा चुप। गोटे प्रकार ओडिशा सरकार हाथ टेकी दे छंती ए जमी को आंध्र सरकार को। स्थानीय लोकों को कहिबा कथा जे 30 रु 40 वर्ष तळे ये अंचल रे आंध्र को ओडिशा भितरे सीमा निर्धारण करा जैतिला। केउठो केते अंचल कहार ताहा जानिबा पई एक पत्थर पोता जाई सीमा निर्धारण करा जैतिला, किंतु ए पत्थर को काढी दिया जैछि। मैप गोटिए कथा कहुतबा बेले वास्तव चित्र कहुछि अलगा कहानी। नदीटा ओडिशा ना आंध्र बोली करी दुईवाटर पुलिस परा ये सरकार माफ कले अर्थसील माफ कला बोल के ओडिशा बाउंड्रीटा एटा हां इजा आसला किंतु इजा हम देखु ओडिशा बाउंड्री रे तो स्कूल अछि स्कूल अछि को स्कूल डा को स्कूल डा एटा हाई स्कूल डा हाई स्कूल डा ओडिशा बाउंड्री रे की आंध्र करछि आंध्र। अच्छा ओडिशा के प्रतिवाद करू ओडिशा गवर्नमेंट हां तो सोई देले हमर ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा डाटा में हमर ओडिशा गवर्नमेंट तो एथु ना केवल पेदाबाइल गाँव में रही 10 स्कूल। आंध्र सरकार ए 18 गाँव में स्कूल तहसील ऑफिस कोठा बाड़ी निर्माण करी अंचल को अख्तियार कर रखी। किछि दिन तले नंदपुर तहसीलदार ए अंचल को आसी सर्भे सर्भे करने जानवा को पाई कि आंध्र सरकार अंचल को जबरदखल कर एठारे थिबा स्कूल गुड़ी करे तेलुगु भाषा रे पाठ पढ़ा जाउछि। ओडिसा रे पिला माने मध्य स्कूल रे पढुछन्ति, एठारे थिबा हॉस्टल रे रहउछन्ति। हेले इति टु दरी करी हमरो नदी पर्यंत 300 किलोमीटर को उचका हबो सेति को दूर को आसी करी आंध्र नै गलेनी। देखो गुट्टे पेगाबाइल गांव रे एक 10टा स्कूल अछि। अच्छा गुट्टे गांव रे देखो हेले गुट्टे गांव रे 10टा स्कूल तिले आउरी केतेटा बलक बलक मन को केतेटा स्कूल तिबो तयरु आंध्र डेवलपमेंट हम कि ना ओडिशा डेवलपमेंट हम तेणुक एने खाइबा को भी असुविधा ना रोईवा के भी असुविधा ना फाट फड़वा के भी आंध्र असुविधा ना ओडिशा रे किछि ना। बेल थाउ थाउ जदि राज्य सरकार तुरंत पदक्षेप न नियंती तबे संपूर्ण भाव में नंदपुर ब्लॉक रो ए 18 गाँव सहित अन्य आखपाख अंचल उपर मध्य आरंभ होई जिवो आंध्रर राजनीति। ओडिशा आंध्र सीमार पेदाबाइल गाँ जहाँ अतीत ओडिशा सीमार थिला एबे किंतु आंध्र दखल कर सारी। विकास सीढ़ीर शेष पहाचर थिबा लोक पाखरे मौलिक सुविधा पहुंचा पई आंध्र प्रचेषा करिछि सफल होइछि। हेले ओडिशा निज जमी को आंध्र हाथ को टेकी देई अचिंता निद्रे सोइछि। ओडिशा आंध्र सीमारु कैमरामैन प्रशांत को सह शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज। देशर अर्थनीति को बड़ बुस्ट प्रथम त्रैमासिक रे जीडीपी ग्रोथ 20% रु अधिक। देशर अर्थनीति द्रुत गति रे ट्रैक को फेरुछि। आर्थिक वर्ष 2022 रो एप्रिल जून त्रैमासिक रे सकल घरोई उत्पाद बा जीडीपी रो परिसंख्यान रु एही संकेत मिलिछि। चलित आर्थिक वर्ष रो प्रथम त्रैमासिक अर्थात एप्रिल जून रे देशर जीडीपी हार बढ़ी 20.1% होइछि। गत वर्ष समान त्रैमासिक रे जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 23.9% रहिथिला। 2021-22 रो प्रथम त्रैमासिक रे जीडीपी 32.38 लाख कोटी रहिछि, जहाँ 2020-21 रो प्रथम त्रैमासिक रे 24.95 लाख कोटी रहिथिला। तबे एसबीआई रो इकोरेप रिसर्च रिपोर्ट रे चलित आर्थिक वर्ष रो प्रथम त्रैमास रे जीडीपी रो हार 8.5% रहिबा नै पूर्वानुमान करा जैतला। सेपरी आरबीआई पक्षरु प्रथम 3 मास रे जीडीपी 21.4% रहिबा नै पूर्वानुमान करा जैतला।
प्री कोविड लेवल इस साल प्री कोविड लेवल से ज्यादा ही आएगा और जिस तरह के आंकड़े आए हैं इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रेडिक्शन दिया था और बजट में जो प्रेडिक्शन था वो इस बार आना चाहिए। इस साल में जिस तरह की पहले तिमाही में जो आंकड़े आए हैं उससे लग रहा है कि जो हमारे जो हमारा अनुमान था बजट के समय वो अनुमान एक्चुअली सही होना चाहिए। तो ग्रोथ के संदर्भ में तो एक्चुअली जो प्री पैंडेमिक उससे ज्यादा ग्रोथ इस साल आनी चाहिए और आगे बढ़ के भी आनी चाहिए। समय सरिचे बुलेटिन को इस सरिचे मते विदा दियंतु। नमस्कार।